सिद्दिपेट जिल्ला दुब्बाक नियोजकवर्गं बीजेपी एम्मेल्ये अभ्यर्थिगा रघुनंदन राव नामिनेशन दाखल चेशारु। जातीय प्रधान कार्यदर्शी संबित पात्रा माजी एंपी जितेंदर रेड्डी तो कलिसि नामिनेशन वेशारु। अंतकुमुंदु दुब्बाकलोनि मारेम्म देवालयंलो प्रत्येक पूजलु चेशारु नेतलु। मरोसारि दुब्बाक प्रजलु आशीर्वदिंचि गेलुपिंचालनि कोरारु रघुनंदन। मोदी दलितुल अभ्युन्नतिकि कृषि चेस्तुन्नारनि विवरिंचारु। दुब्बाक शासनसभा नियोजकवर्गानिकि जरुगुतुन्नटुवंटि एन्निकल्लो ई रोजु नामिनेशन वेयडं जरिगिंदि। नातो पाटु गौरवनीयुलु माजी पार्लमेंट सभ्युलु जितेंदर रेड्डी गारु, भारतीय जनता पार्टी आल इंडिया स्पोक्स पर्सन पेद्दलु डाक्टर संबित पात्रा गारु नातो पाटु ई नामिनेशन कार्यक्रमंलो पाल्गोनडं जरिगिंदि। नवंबर 2020 లో ఉప ఎన్నిక ఫలితం ఎట్లయితే వచ్చిందో అదే రీతిలో మళ్ళీ ఈ నవంబర్ 30 న జరగబోతున్నటువంటి 2023 ఎన్నికల్లో दुब्बाक शासनसभा नियोजकवर्ग परिधि लोपल प्रजलु नन्ने गेलुपिस्तारनेटुवंटि संपूर्णमैनटुवंटि विश्वासान्नि नेनु व्यक्तं चेस्तू मा भारतीय जनता पार्टी नायकुल कार्यकर्तल कृषि कष्टं फलितंगा दुब्बाक नियोजकवर्गंलो रेंडोसारी भारतीय जनता पार्टी जेंडा एगरेस्तारनेटुवंटि संपूर्णमैनटुवंटि विश्वासंतो ई रोज नामिनेशन दाखलु चेयडं जरिगिंदि। आज जो नामिनेशन आपने फाइल किया है इसमें कोई दोमत नहीं है कि जब चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे दुब्बाका से आप फिर से विधायक घोषित होकर आएंगे, चुन के आएंगे। आज जब मैं दुब्बाका आ रहा था हैदराबाद से तो रास्ते में मैंने कनेक्टिंग रोड को नेशनल हाईवे में कन्वर्टेड होते हुए देखा। वहाँ लोगों ने मुझे बताया जब मैं चाय पीने के लिए रुका कि ये रघु अन्ना ने किया है। आते समय मुझे एक बड़ी बिल्डिंग दिखी, बहुत खाली ज़मीन था और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी बीच में। मैंने पूछा ये क्या है तो लोगों ने कहा ये 100-bedded हॉस्पिटल है और ये अन्ना ने बनाया है। और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने गया तो 2 महिलाएं हाथ मिलाने आई जो यहाँ कर्मचारी हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया अन्ना को और कहा कि ये बिल्डिंग आपने बनाया है, आपने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, आज आप इस बिल्डिंग में नॉमिनेशन भरने आ रहे हैं, जाओ हम आपसे बड़े हैं, हम आशीर्वाद।